नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेसमेकिंग के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित सिलाई मशीन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। हमारा आज का विषय है सिलाई मशीन। आज हम सिलाई मशीन के बारे में जानेंगे कि सिलाई मशीन का क्या प्रयोग है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है। आइए सिलाई मशीन को जानने से पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि सिलाई मशीन का आविष्कार कैसे और किन लोगों के द्वारा हुआ। सिलाई मशीन के चलन से मानव जीवन को सभी दृष्टियों से सरल व सुगम बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह विज्ञान हो, ज्ञान हो या सिलाई मशीन का, हर क्षेत्र में मशीनों का अपना ही एक महत्व है। सिलाई मशीन में मशीनों के आ जाने से या सिलाई कला में मशीनों के आ जाने से बहुत उन्नति हुई है। आज लगभग हर घर में हमको सिलाई मशीन देखने को मिलती है। आज घरों में हाथ वाली सिलाई मशीन का प्रयोग महिलाएं अपने घर के बच्चों के पुरुषों के अपने सबके छोटे मोटे कामों को करने के लिए उन्हें सिलने के लिए प्रयोग करती हैं। सिलाई मशीन को बनाने का प्रयास सबसे पहले चार्ल्स सेंटर ने लगभग 1776 के आसपास किया था, पर उस समय उनको सिलाई मशीन बनाने में कुछ खास उन्नति नहीं मिली व उनके प्रयोग साक्षर नहीं हुए। इसके बाद सन 1830 ईस्वी में एलिस होप ने लकड़ी की मशीन का आविष्कार किया। सिलाई मशीन के द्वारा एलिस दंपत्ति शीघ्रता से सिलाई कर अपना कार्य करने लगे, परंतु उनके जो करीबी थे उनको उनकी उन्नति देखी नहीं गई और उन्होंने उनकी सिलाई मशीन में आग लगा दी, जिससे वह पूर्णता नष्ट हो गई। इसके बाद एलिस लंदन गए और वहां जाकर उन्होंने वहां के राजा से आर्थिक सहायता मांगी। आर्थिक सहायता मिलने के बाद उन्होंने एक धातु की मशीन का निर्माण किया। सन 1845 से 1850 के मध्य प्रथम सिडल मशीन का आविष्कार किया गया तथा सन 1851 में इसके कॉपीराइट्स प्राप्त किए गए। अमेरिका के बाद जर्मनी के दो व्यक्तियों ने, एडलर और पफ ने अपने नाम पर मशीनों का आविष्कार किया। अब तक हमने सिलाई मशीन की उत्पत्ति के बारे में जाना, अब आइए सिलाई मशीन के बारे में जानते हैं कि सिलाई मशीन क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। सिलाई मशीन एक लोहे की बनी हुई मशीन होती है जिसपे विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट्स की अपनी एक भूमिका है व हर एक पार्ट्स का अपना एक महत्व है। आइए जानते हैं कि सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है। सिलाई मशीन मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, हाथ से चलने वाली मशीन। नंबर दो, पैर की मशीन। नंबर तीन, पावर मशीन। नंबर एक, हाथ की मशीन। हाथ की मशीन का प्रयोग महिलाएं खासकर अपने घरों में करती हैं, जिससे वे अपने वस्त्रों या छोटे मोटे कामों को करने के लिए प्रयोग में करती हैं। सिलाई मशीन जो हम हाथ से चलाते हैं वो एक हैंडल के द्वारा चलाया जाता है जो फ्लाई व्हील से बंधा होता है। उसको राइट हैंड से मूव करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को कपड़े को सही करने में लगाते हैं, जिसमें हम कहीं भी बैठकर हाथ की सिलाई मशीन से सिलाई कर सकते हैं। दूसरा है पैर की सिलाई मशीन। पैर की सिलाई मशीन में एक ट्रेडल होता है जिसमें एक
लोहे का स्टैंड होता है और एक लकड़ी का पटला बना होता है जिस पर एक बीच में खाली जगह या स्पेस होता है जहां पर मशीन को रखकर हम डोरी के माध्यम से नीचे स्टैंड को स्टैंड के फ्लाई व्हील से बांधते हैं और उसमें पैरदान पैर रखकर उसको मूव करने से मशीन को गति प्रदान होती है। घर की मशीन यानी हाथ की मशीन की अपेक्षा पैर की मशीन से काम करना अत्यधिक सरल होता है व इस पर काम करने से मशीन काम करने में गति आती है। हाथ की मशीन से पैर की मशीन में काम जल्दी होता है व आसानी से होता है। इस पर काम करने से हमारे पैरों के द्वारा मशीन चलाई जाती है और हमारे दोनों हाथ फ्री होते हैं और ये कपड़े को बैलेंस करते हैं। नंबर 3 है पावर मशीन। पावर मशीन पैर से चलने वाली मशीन पर ही मोटर फिट कर दिया जाता है जिसमें एक पैडल लगा होता है। उस पैडल को पैर से प्रेस करने पर वह मशीन गतिमान होती है और पैडल से पैर को हटाने पर वह मशीन रुक जाती है। इस मशीन की गति को हम पैडल से ही नियंत्रित करते हैं। हमें कितनी स्पीड चाहिए, हमें कितना कब कम करना है, कब रोकना है, ये सारे नियंत्रण हम उस पैडल से ही करते हैं जिससे हमें काम करने में आसानी होती है। अभी तक हमने जाना कि मशीन कितने प्रकार की होती है। अब हम जानते हैं कि एक सिलाई मशीन को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके मशीन के पार्ट्स। मशीन को हम मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा आगे का भाग जिसे हम फेस प्लेट कहते हैं। दूसरा है मध्यम भाग जिसे हम बॉडी पार्ट्स कहते हैं और तीसरा है हत्ती वाला भाग जिसे राइट साइड और हैंडल पार्ट्स कहते हैं। चौथा है भीतरी भाग जिसे इनर साइड पार्ट्स कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं नंबर 1 आगे का भाग। आइए अब जानते हैं आगे का भाग यानी फेस प्लेट। आगे का भाग इसमें विभिन्न प्रकार के पुर्जे होते हैं जो मशीन में मशीन के बाएं हाथ पर एक प्लेट होती है जिसे हम फेस प्लेट कहते हैं। उस प्लेट में सबसे ऊपर एक रॉड होती है जिसे प्रेशर बार कहते हैं। प्रेशर बार में एक नट लगा होता है जो प्रेशर फुट को नियंत्रित करता है कि कपड़े पर कितना दबाव बनाना है। अधिक दबाव बनाने के लिए नट को टाइट किया जाता है और दबाव कम करने के लिए नट को थोड़ा सा लूज किया जाता है। इसके बगल में होता है एक निडल बार। निडल बार में हम निडल को यानी सुई को लगाते हैं। जिस रॉड में वो बंधी होती है उसको हम निडल बार कहते हैं। उसके नीचे होता है प्रेशर बार स्क्रू लिफ्टर। प्रेशर बार स्क्रू लिफ्टर को हम घोड़ी भी कहते हैं। इसका प्रयोग कपड़े पर प्रेशर बार को दबाव के लिए रखने और दबाव हटाने के लिए इस कुंडी को ऊपर किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेशर फुट को ऊपर उठाने और कपड़े पर पुनः वापस दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इसके नीचे होता है टेंशन स्टड। इसमें थ्रेड को राउंड करके फंसाया जाता है जिससे धागे की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। इससे ऊपर का धागा एक समान गति में आए और नीचे के धागे की गति की समान हो। नेक्स्ट है फेस प्लेट स्क्रू। इसमें एक स्प्रिंग सा पिन सा लगा होता है जो गोल आकार का स्टील का बना होता है। उसमें अंदर से हम धागे को निकालते हैं ताकि जो हमारा सिलाई का धागा है वह बॉब उस वह रील से होता हुआ सीधे निडल तक आए और इधर उधर फंसे नहीं। इसके बाद होता है
थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड एक पिंसा होता है जिस पर हम धागे को फंसाते हैं ताकि धागा हमारा इधर उधर मूव ना करे। उसके नीचे आते हैं तो ये हमारा आता है प्रेसर फुट। प्रेसर फुट का काम होता है कपड़े पर दबाव बनाना, उसे इधर उधर भागने से रोकना। वह जब सिलाई करते हैं तो इसी प्रेसर फुट को कपड़े पर दबाव के अनुसार रखते हैं और सिलाई करते हैं। इसमें बगल में प्रेसर फुट के बीच में सुई लगाई जाती है जिसका प्रयोग सिलाई करने में होता है। यह सुई से धागा डाला जाता है, यह सुई नीचे जाकर सटल में जाती है, सटल से बॉबिन केस के धागे को ऊपर लेकर आती है और ऊपर व नीचे वाले धागे दोनों आपस में मिलकर इंटरलेसिंग करते हैं और सिलाई की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यह निडल जिस स्क्रू से बंधी होती है उस स्क्रू को चुटकी भी कहते हैं। इस सुई के नीचे एक अर्धचंद्राकार प्लेट होती है जिसे निडल प्लेट भी कहते हैं। यह निडल प्लेट स्टील की बनी होती है। इसमें दो पेच होते हैं, यह मशीन पर पेचों के साथ कसी होती है जिससे वह इधर उधर मूव नहीं करती और कपड़ा रखने में आसानी होती है। इसके आगे एक चौकोर प्लेट लगी होती है जिसे स्लाइड प्लेट कहते हैं। इसमें एक खांचा सा कटा होता है जिसको पकड़कर हम स्लाइड को बाहर या अंदर करते हैं। इस स्लाइड को खिसकाकर हम बॉबिन केस को शटल में लगाते हैं व उसको निकालते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मशीन के मध्यम भाग यानी बॉडी पार्ट्स को। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका क्या काम होता है। इसमें सबसे पहला होता है हमारा बॉबिन बाइंडर। यह बॉडी समतोल चक्र के पास इस प्रकार लगा होता है, यानी बॉबिन बाइंडर के पास इस प्रकार लगा होता है कि जब बॉबिन में धागा भरना हो तो इसमें लगी पत्ती को दबाने से इसमें लगी रबर या रिप बैलेंस व्हील से लग जाती है और बैलेंस व्हील घूमता है तो यह घूमने लगती है और धागा भर जाता है। दूसरा है बाइंडर पिन। बाइंडर पिन एक गोल रबर लगी रहती है जो धागा भरते समय समतोल चक्र यानी फ्लाई व्हील के साथ घूमती है। तीसरा है स्पूल पिन। सिलाई करते समय इस पर रील लगाई जाती है ताकि धागा हमारा इधर उधर भागे नहीं। दो बॉडी के ऊपर और एक बॉडी के नीचे होती है। नीचे वाली स्पूल पिन का प्रयोग हम बॉबिन के धागे को भरने के लिए करते हैं जिससे धागे का खिंचाव ठीक रहता है। तीसरा है इसमें स्ट्रेस रेगुलेटर स्क्रू। इसके द्वारा बखिया का छोटा या बड़ा किया जाना होता है। इस पर पैमाना यानी स्केल लगा होता है जिस पर 1 से 5 नंबर अंकित होते हैं। रेगुलेटर को नीचे रखने से बखिया छोटी और ऊपर रखने से बखिया मोटी आती है। हम बखिया 2.5 नंबर पर रखने से बखिया छोटी बड़ी सेट करने से जहां भी हमको जिस नंबर पे सिलाई करनी होती है उस पे इस पेच को कस दिया जाता है और हमारी मशीन उसी नंबर की बखिया देने लगती है। नेक्स्ट आते हैं प्लेट स्क्रू। यह रेगुलेटर के पीछे निकली प्लेट स्क्रू द्वारा लगी होती है। प्लेट उतार कर फिर डॉग रॉक सॉफ्ट की सफाई कर दी जाती है। नेक्स्ट है आर्म शाफ्ट। यह फ्लाई व्हील व फेस प्लेट से जुड़ा होता है। इससे सिलाई मशीन की चाल ठीक की जाती है। इसको खोलने का ज्ञान ना हो तो इसे खोलना नहीं चाहिए अन्यथा ये चाल खराब देने लगती है। फुट बार व निडल बार इसी के द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है मशीन का ढांचा। मशीन का ढांचा स्वयं में मशीन के सब कल पुर्जे ढके रहता है। इसमें ऊपर की ओर दो स्पूल पिन रील लगाने के लिए लगी होती है।
तथा एक स्कूल पिन नीचे रेगुलेटर के समीप लगी होती है। अभी तक हमने फेस प्लेट और बॉडी पार्ट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हाथ वाले भाग के, यानी हत्थी वाले भाग के। हत्थी वाले भाग जिस पार्ट्स में हमारा ये फ्लाईव्हील बना होता है उसे हम हत्थी वाला भाग कहते हैं। फ्लाईव्हील के सहायता से संपूर्ण मशीन गतिमान होती है। इसके द्वारा मशीन की गति तीव्र व कम की जाती है। यह ब्रैकेट स्क्रू की सहायता से घूमता है। नंबर एक है इसमें चाल रोधक नट। बॉबिन भरते समय इस नट को ढीला कर देने से संपूर्ण मशीन कार्य नहीं करती, केवल फ्लाई व्हील ही घूमता है। सिलाई मशीन का यह सबसे बड़ा स्क्रू होता है। बॉबिन भरने के बाद इसे पुनः कस दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉप मोशन वॉशर। यह स्टॉप मोशन वॉशर चूड़ी के समान होता है। यह स्टॉप मोशन नट एवं मशीन के फ्रेम के मध्य होता है। इसी के द्वारा मशीन की चाल को ठीक किया जाता है। यदि यह ढीला हो जाता है तो मशीन की गति रुक जाती है और बैलेंस व्हील या स्क्रू खोलकर इसे सही स्थान पर सेट करने से पुनः केस कस दें। गियर। हत्थी के भीतरी भाग में दो गरारियां होती है, एक छोटी गरारी और दूसरी बड़ी गरारी। हैंडल बड़ी गरारी को घुमाता है, बड़ी गरारी छोटी गरारी को घुमाती है, छोटी गरारी ब्रैकेट स्क्रू को घुमाता है। ये प्रक्रिया से फ्लाईव्हील घूमता है और संपूर्ण मशीन को गति प्रदान होती है। नेक्स्ट है हत्थी का फ्रेम। यह दोनों गरारियों को ढके रहता है। यह दो नटों द्वारा मशीन के ढांचे में फिट किया जाता है। इसका उपयोग केवल मशीन या केवल हाथ की मशीन में ही किया जाता है। यदि पांव वाली मशीन पर इसको लगाना हो तो यह नट खोलकर हत्थी मशीन से अलग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है हत्थी यानी हैंडल। ये हाथ की मशीन को चलाने में उपयोग होता है। अभी तक हमने मशीन के तीन पार्ट्स के बारे में जाना, अब हम इसके चौथे यानी लास्ट पार्ट्स के बारे में जानते हैं, जो हमारा भीतरी भाग होता है। इसमें किस पार्ट्स का क्या काम है इसके बारे में हम जानेंगे। इनर पार्ट्स में हमारा सबसे पहले आता है बॉबिन। बॉबिन धागा भरने के काम आती है। इसमें 100 मीटर धागा एक बार में भरा जा सकता है। यह मशीन में सटल वाला धागा होता है, जो मशीन के नीचे का धागा जिसे बोलते हैं। यह ऊपर जाकर किसी भी कपड़े में सिलाई में नीचे का धागा बोला जाता है। नेक्स्ट है बॉबिन केस। धागा भरने के बाद बॉबिन इसी केस में रखी जाती है। इसमें एक पत्ती लगी होती है, वही धागे को ढीला व कसा छोड़ती है। इसे डिब्बी भी कहते हैं। यही बॉबिन केस शटल में फिट की जाती है। नेक्स्ट है शटल। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इसको शटल बोलते हैं। यह शटल केस होता है। इसमें एक कील से निकली होती है जिसमें बॉबिन और बॉबिन केस को फिट किया जाता है। नेक्स्ट है शटल रेस। ये अर्धचंद्राकार होती है। इसमें ऊपर की ओर एक पत्ती लगी होती है जिसमें आने जाने के लिए खांचा बना होता है। यही पत्ती में खांचा पड़ जाता है तो धागा टूटने लगता है। नेक्स्ट है इसमें दांते। सिलाई करते समय ये कपड़े को आगे पीछे खिसकाने का कार्य करता है। कार्य करने से इसमें रेशे व धूल जम जाते हैं, अतः इसको कार्य करने के उपरांत किसी भी सुई या पिन से इसमें फंसी गंदगी को निकालकर इसे साफ कर देना चाहिए।
अब तक हमने जाना कि मशीन कितने प्रकार की होती है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स क्या काम करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सिलाई मशीन में सिलाई करने के अतिरिक्त और हम क्या क्या कर सकते हैं। सिलाई मशीन में प्रेसर फुट को हटाकर उसके स्थान पर अलग अलग प्रकार के पुर्जे लगाकर हम विभिन्न प्रकार के कामों को संपन्न कर सकते हैं। जिन पार्ट्स को हम मशीन में प्रेशर फुट की जगह लगाते हैं उनको मशीन के सहायक पुर्जे यानी मशीन अटैचमेंट्स कहते हैं। इन सहायक पुर्जों का अपना अलग अलग काम होता है और इनका अपना अलग अलग नाम है। किस पुर्जे का क्या काम है आज हम इसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं हैमर। हैमर क्या है? हैमर एक प्रेशर फुट की तरह दिखने वाला भाग है जिसमें हम हेमिंग करते हैं। हेमिंग का मतलब हमारा यहाँ तुरपाई से बिल्कुल नहीं है। इस हैमर पार्ट में, इस अटैचमेंट में हम कपड़े के एक कोने को फंसा देने पर ये कपड़ा जहाँ तक हमें, जितनी चौड़ी हमें हेमिंग करनी होगी यानी जितनी चौड़ी हमें पट्टी मोड़ कर उस पर सिलाई लगानी होगी, यह अपने आप कपड़े को लेता है और पूरे कपड़े पे हेमिंग कर देता है। इस हैमर पे हमको बार बार कपड़ा सेट नहीं करना पड़ता है। एक बार फंसाने पर ही यह अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर देता है। हैमर का प्रयोग हम किसी भी पिलो कवर, बेडशीट या किसी भी मेज को उसकी किनारी को डेकोरेटिव मोड़ देने के लिए, इससे हम जितनी चौड़ी चाहें किनारी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल हैमर। एडजस्टेबल हैमर का मतलब होता है कि जिसमें हम अपनी सिलाई को एडजस्ट करते हैं, मतलब हमें जितनी भी चौड़ी या जितनी भी पतली हमें किनारी चाहिए हो उतना हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक से ढाई नंबर तक के निशान होते हैं जिसमें हम जितने भी चौड़ी पट्टी को मोड़ना चाहें, उसमें हेम करना चाहें, उसको हम एडजस्ट करके एक बार कपड़े को फंसा दें, ये पूरे कपड़े को अपने आप ले लेता है और पूरे कपड़े में हेमिंग कर देता है। इसका प्रयोग हम पिलो कवर बनाने, पेचकोस बनाने और बेडशीट को किनारियों पर हेमिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रफलर। रफलर का प्रयोग हम फ्रिल बनाने के लिए यानी चुनटे बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रफलर किसी भी गारमेंट में जितनी हमें प्लीट्स डालनी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा लेकर इसमें समान रूप से प्लीटें डाली जाती हैं। इसमें हमें अपना मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, हमें एक बार कपड़ा फंसा देने से इसमें समान मेजर की अपने आप प्लीट्स या गैदरिंग होती जाती है जिससे हमें कार्य करने में आसानी होती है और हमें इसमें बार बार कपड़े को मेजर नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है जिगजैगर। जिगजैगर का प्रयोग हम डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें हम रेडीमेड गारमेंट में कोई भी जिगजैग स्टिच करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये जिगजैग स्टिच हमारे कुशन कवर, मेज पोज या बेडशीट की किनारी पर डिजाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हम एम्ब्रॉयडरी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से बने वस्त्र सुंदर व आकर्षक दिखते हैं। नेक्स्ट है कढ़ाई वाली प्लेट यानी एम्ब्रॉयडरी प्लेट। ये प्लेट निडल प्लेट के तरह होती है। इसमें एक सेंटर पर छिद्र होता है जिसमें से सुई सटल में जाकर नीचे वाले धागे को ऊपर लाती है। इस प्लेट का प्रयोग हम प्रेशर फुट निकालकर उसकी जगह करते हैं। इस प्लेट में हम अर्धचंद्राकार वाली प्लेट को निकाल देते हैं और एम्ब्रॉयडरी प्लेट को सेट कर देते हैं। इस प्लेट के ऊपर हम लकड़ी के फ्रेम में फंसे कपड़े को रखकर
उसमें आवश्यकता अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें जिस प्रकार की जैसी एम्ब्रॉयडरी करनी हो हम वह एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। यह एक कढ़ाई करने का आकर्षक तरीका है जिसमें काम आसानी से और शीघ्रता से हो जाता है। अब तक हमने सिलाई मशीन के बारे में जाना कि सिलाई मशीन क्या है, उसका आविष्कार कैसे हुआ, सिलाई मशीन के कितने भाग होते हैं, सिलाई मशीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह हमने आज सिलाई मशीन के बारे में आपको अवगत करवाया, उसके बारे में जानकारी दी। आपको सिलाई मशीन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।